इस वक्त बड़ी खबर आ रही, मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया गया है। नागौर में पुलिस के वायरल ऑडियो का ये मामला है। नागौर एसएचओ और कांस्टेबल सस्पेंड किए गए, झालावाड़ एसएचओ को भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ही, ये बड़ा एक्शन लिया गया जहाँ नागौर में पुलिस के वायरल ऑडियो का ये मामला है। और इस वायरल ऑडियो का मामला सामने आने के बाद इस पर एक्शन हुआ है। नागौर एसएचओ और कांस्टेबल दोनों को सस्पेंड किया गया है, झालावाड़ एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंशन की कार्रवाई यहां पर की गई है। ये बड़ा एक्शन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस मामले में लिया गया है। नागौर में पुलिस के वायरल ऑडियो का ये मामला है। ये ऑडियो सामने आने के बाद अब एक्शन इस पर लिया गया। नागौर एसएचओ और कांस्टेबल दोनों को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं झालावाड़ एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया। बेहद अहम मामला, बड़ा मामला है ये, जहां नागौर में पुलिस के वायरल ऑडियो को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एक्शन लिया गया है। सबसे पहले यहां पर नागौर एसएचओ कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया और साथ ही झालावाड़ एसएचओ को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम मामला था, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस नागौर मामले में ऑडियो वायरल हुआ था और जिन भी जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे और एक एनकाउंटर के मामले में जो बात जिस तरह से की जा रही थी एसएचओ के बीच में, कांस्टेबल के बीच में जो बातचीत हुई है, तो उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी गंभीरता से लिया है। और उन्होंने जो भी इस मामले में शामिल जो एसएचओ है, कांस्टेबल है, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसमें नागौर की जो एसएचओ है उन पे कार्रवाई हुई है, उनको सस्पेंड किया गया है। और साथ में यहाँ तैनात थे लेकिन अब जो अफटेरा में है नंद किशोर वर्मा, उनको सस्पेंड किया गया है। अंजू कुमारी जो पुलिस थाना सदर नागौर है, उनको सस्पेंड किया गया है। कांस्टेबल जो भंवरलाल बुरुडी है, उनको सस्पेंड किया गया है। तो तीनों पे गया है। और जिस तरह से इस पूरे वायरल ऑडियो के कारण से पुलिस की जो छवि जो खराब हुई थी वो मुख्यमंत्री को बिल्कुल सहनीय नहीं है। और ऐसे में उन्होंने ये निर्देश दिए कि जो भी इसमें शामिल है उन पे एक्शन हो, और एक्शन के तहत इन तीनों को, दो एसएचओ और एक कांस्टेबल, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।